गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्टार्ट करते हैं कल की लास्ट क्लास से। तो गाइज, हम लोग अपना चैप्टर कंप्लीट करने की तरफ थे और हम लोग पढ़ रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और आज हम उसे फिनिश कर दें गाइज। तो उसी सीरीज में हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस कर रहे थे गाइज। क्लियर है? तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किया था कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.022 × 10⁻²³ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, जो हम ऑलरेडी जानते थे, ये हमें ऑलरेडी पता था। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 0.02 मोलर H2SO4। तो यहाँ से हमें अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना था। बेसिकली ये वो क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है, अगर आप 1 मोल के अंदर बोलते हो कि 6.022 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो गाइस मैं आपसे ये भी बोलना चाहता हूँ क्या कि जो भी आपको ये डाटा दिया हुआ है, फर्स्टली आपको इसमें किस में कन्वर्ट करना है, आपको इसे कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ मोल्स में। किस में कन्वर्ट करना है गाइस आपको, ये नंबर ऑफ मोल्स में। अब देखिए, नंबर ऑफ मोल्स में आप इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये मोलरिटी के बारे में मालूम होना चाहिए। तो ये जो मोलरिटी है, इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर। क्या यूनिट होती है इसकी? मोल पर लीटर। और इस मोलरिटी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml इनटू 1000। होता है कि नहीं होता है? ये होते हैं नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि होता है मोलरिटी का फॉर्मूला। अब यहाँ पे आपने रखा 0.02, राइट? नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट करना चाहते हैं गाइज, और यहाँ पे आपके पास आया 100 × 1000। क्या यही बात है? n की वैल्यू अगर आप निकाले तो वो आ जाएगी 0.02 × 100, राइट, अपॉन 1000। इस पॉइंट को हटाने के लिए मैं नीचे 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, 100 से ही 100 कट हो जाएगा, तो मेरे पास उसके बाद आएगा n इक्वल्स टू 2/1000। और सिग्निफिकेंट फिगर में अगर मैं इसको लिखूं, साइंटिफिक नोटेशन में अगर इसका लिखूं, तो वो हो जाएगा 2 × 10⁻³। दीज आर दी नंबर ऑफ मोल्स। ये है नंबर ऑफ मोल्स इस गिवन कंसेंट्रेशन के लिए। आइए बात करते हैं, बात क्या करते हैं, अगर वन मोल के पास कितने होते हैं 6.022 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके, H2SO4 के। अगर H2SO4 के 1 मोल के पास 6.022 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट है, मोल अलग होता है, मॉलिक्यूल अलग होता है, मॉलिक्यूल इटसेल्फ H2SO4 दिखता कैसा है, लेकिन जब ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक जगह आ जाते हैं, और कितने आ जाए एक साथ, 6.022 × 10⁻²³ एक साथ आ जाए, तो हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि ये 6.022 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स है, हम सीधा बोल देंगे कि ये 1 मोल ऑफ H2SO4 है। क्लियर है गाइज? अगर 1 मोल में इतना होता है तो इतने मोल में कितना होगा, देन 2 × 10⁻³ मोल्स के पास कितने हो जाएंगे, 6.022 × 10⁻²³ × 2 × 10⁻³ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। क्लियर है कि नहीं है? ये आ जाएगा। फिर यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 6.022 की मल्टीप्लाई होगी किससे गाइज, 2 से। किससे होगी? 2 से। 2 × 4 क्लियर, 0.12 × 10⁻³। यहाँ पे 23 है, ये -3 है, तो मैंने कहा था अगर मल्टीप्लाई में हूँ तो पावर्स का सम हो जाता है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 10⁻²³ −3, और वो कितना हो जाएगा, 10⁻²० मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। कल सबसे एंड में हमने ये सवाल किया था, यानी कि इस सॉल्यूशन के पास इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो गए गाइस। इसको आप लिख ले, अगर कहीं पे डाउट आया है या कहीं पे कोई भी चीज़ आई है तो शायद वो क्लियर होगी होगी। इसके बाद हम आगे सीरीज में चलेंगे अपने क्वेश्चंस की। इसको फटाफट से लिखे गाइस।
ये हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और हम सारे ही क्वेश्चन ऐसे चूज करते हैं जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके टॉपिक को समझने में। फटाफट से इसको लिख लेगा गाइस, फिर आगे चलते हैं। आज हम लोग सारे क्वेश्चंस करेंगे, सारे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। हमारा जो मेन आज मकसद है इस क्लास को रखने का, लास्ट क्लास को रखने का, ये मकसद केवल यही है कि हम सारे के सारे जो क्वेश्चंस है वो ख़त्म कर दें, इसके क्वेश्चंस ना बचने पाए बस। लिखे स्टूडेंट्स, जल्दी लिखे, ये आपके सामने है। जो लोग नहीं समझ पाए थे या उनको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया था, उनके लिए भी मैंने ये सवाल दोबारा किया है, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चंस बहुत अच्छे किस्म के मिलते हैं, वहां पे आपको बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलता है। और मैं तो ये बोलूंगा कि जो लोग जेईई मेंस और नीट की तैयारी करते हैं उन्हें इन क्वेश्चंस के बारे में जरूर पता होना चाहिए, वो यहां से अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हमने किए हैं, जहां कहीं भी क्वेश्चंस है, जिस भी लेवल का क्वेश्चन है, वी आर ट्राइंग टू डू दैट गाइज, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको भी घर पे प्रैक्टिस कोई क्वेश्चंस करते हैं और आपसे वो नहीं हो रहा है, देन यू कैन आस्क इट टू मी, ये आप मुझसे पूछ सकते हैं उसके बारे में। क्लियर है गाइस? आई थिंक आपने लिख लिया होगा। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। ये गाइस हमारा क्वेश्चन है ना? आइए एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन हमें बोलता है द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर मास ऑफ ए कंपाउंड। देखिए, एम्पिरिकल फॉर्मूला को अंडरलाइन कीजिए और एम्पिरिकल फॉर्मूला आपके पास यहां पे दिया हुआ है, इतनी बात समझ में आती है। एंड मोलिकुलर मास ऑफ ए कंपाउंड, और आपको मोलिकुलर मास भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है गाइज? 180 ग्राम दिया हुआ है। रेस्पेक्टिवली व्हाट विल बी द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब इस सवाल को सोल्व करने के लिए मैं आपको लेके चलना चाहता हूं जहां आपने परसेंटेज कंपोजिशन से एम्पिरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूलाज निकालने के तरीके सीखे थे। अगर आपको ध्यान होगा स्टूडेंट्स, तो हमने सबसे बाद में मोलिकुलर मास निकालना और मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने का एक अलग युक्ति की थी, राइट? वो युक्ति क्या थी, मैं आपको ध्यान दिला देता हूं। दो फॉर्मूलाज मैंने लिखे थे, क्या लिखे थे कि मोलिकुलर फॉर्मूला इक्वल्स टू होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला के एन के बराबर, जहां पे एन एक वोल नंबर है, एन एक कंप्लीट इंटीजर है एक्सेप्ट जीरो, राइट? एक तो हमारे पास फॉर्मूला आया था ये गाइस, और इसी के साथ मैंने आपको बताया था कि मोलिकुलर मास, क्या स्टूडेंट्स, मोलिकुलर मास इक्वल्स टू होता है एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला मास।
क्या होता है, मोलिकुलर मास इंटू एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अब आपको आपके कंपाउंड का मोलिकुलर मास तो दिया हुआ है कितना बेटा जी, 180। एन आपको निकालना है, अगर आप एन निकाल दोगे तो आप यहां एम्पिरिकल फॉर्मूला के अंदर रख के सोल्व कर सकते हो, मोलिकुलर फॉर्मूला को जनरेट कर सकते हो। एन निकालने के लिए ही हमारे पास गाइज ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला जो होते हैं हम एन निकालने के लिए ही पढ़ते हैं कि एन की क्या वैल्यू आपके पास आने वाली है। क्लियर है? अब बात करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला मास की। एम्पिरिकल जो फॉर्मूला में दिया हुआ है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला में दिया हुआ है गाइज CH2O। क्या दिया हुआ है? CH2O। और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी इसके अंदर एटम्स है उन सब एटम्स के मास को ऐड कर लेंगे। जैसे कार्बन का जो मास होता है बेटा वो होता है 12। क्लियर है? हाइड्रोजन का एटम का जो मास होता है वो होता है 1। दो हाइड्रोजन को हो जाएगा बेटा 1 × 2 प्लस। ऑक्सीजन का जो मास होता है बेटा वो होता है 16। कितना होता है बेटा? 16। तो 180 इक्वल्स टू एन इंटू, अब इनको ऐड कर लेंगे, 12 और 2 होते हैं बेटा जी 14, और 14 प्लस 16 होते हैं बेटा जी 30। कितने होते हैं? 30। तो n की वैल्यू यहां से आ जाएगी 180 डिवाइडेड बाई 30। 0 से 0 कट जाएगा और 3 6 जा 80, यानी कि n की वैल्यू आपके पास आएगी बेटा जी 6। कितनी वैल्यू आएगी n के पास आपकी? 6। जैसे ही आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी वैसे ही आप क्या करोगे, आप मोलिकुलर फॉर्मूला इक्वल्स टू एम्पिरिकल फॉर्मूला और n की जगह 6 पुट कर दोगे, कर देंगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको दिया हुआ है CH2O6। क्लियर? इस 6 की अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे C6। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये भी एक जरूरी चीज है। C6H2 × 6 12 O6, यानी कि C6H12O6। ये आपके पास क्या आ जाएगा, आपके कंपाउंड का आ जाएगा ये आपके पास मोलिकुलर फॉर्मूला। ऐसे करना है गाइस। क्लियर है? इसमें जो ध्यान देने वाली बात थी वो ध्यान देने वाली बात ये थी गाइस कि एक तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि आपका मोलिकुलर फॉर्मूला किसके बराबर होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू एन के, और एक आपको पता होना चाहिए कि आपका मोलिकुलर मास किसके बराबर होता है, एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला मास के। सारा का सारा खेल इस एन के निकालने का है, ये एन की मल्टीप्लाई अंदर कैसे करते हैं उसको शो करने का है। राइट है गाइस? आई होप ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसको आप जल्दी से लिखे फटाफट से। जल्दी से इसको लिखे। हर प्रकार का मैंने आपको सवाल करा दिया, कोई भी सवाल अगर आपको इसके बाद भी लगता है कि आपसे नहीं हो पा रहा है, आप खुद भी प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको इसका एक मॉड्यूल भी सेंड करूंगा, अगर आप फाइंड आउट करते हो उसमें कि नहीं हो पा रहा है तो भी गाइज हम उसको अपने जिस तरीके से हम आपस में बात करते हैं एक दूसरे के पास कॉल करके मैसेजेस करके, हम उसको आगे और फर्दर समझने की कोशिश करेंगे गाइस। राइट है? इसके बारे में जल्दी से लिख लीजिए। ये दोनों फॉर्मूले बड़े काम के हैं, ये आपका बहुत साथ देने वाले हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको ये दिया हुआ है, लिखिए गाइस जल्दी से।
समझ आया स्टूडेंट्स? सवाल भी लिखे और उसका सॉल्यूशन भी लिखे। सवाल भी लिखना जरूरी है, बिना सवाल के आप केवल आंसर लिख लो, सॉल्यूशन लिख लो तो उसका भी कोई मतलब नहीं बनता। आप सवाल भी लिखे और साथ में उसका सॉल्यूशन भी लिखे, जल्दी से लिखे, और ये भी लिखे कि क्वेश्चन कहाँ से उठाया है। अगर आप फर्दर आप कभी किताब को सोल्व करें या आपको क्वेश्चंस दिखाई दे तो आप पता भी लगा पाओ गाइस। हो गया होगा गाइस, ये सॉल्यूशन भी, ये आपका आंसर है गाइस। वो आपसे पूछ रहा था व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, व्हाट इज द MF ऑफ द कंपाउंड, ये है जी C6H12O6। अच्छा अब थोड़ी बहुत तो केमिस्ट्री आप लोग जान ही गए हो। C6H12O6 का केमिकल नेम होता है ग्लूकोज। क्या नेम होता है उसका? ग्लूकोज, इसको बोलते हैं गाइस ग्लूकोज, ग्लूकोज नाम होता है इसका। ठीक है जी बच्चों, आगे चले, आगे चलते हैं, इसको लिख लेना, फ्रीज या पॉज करके भी आप लोग लिख सकते हो। आगे चलते हैं, आगे आपके पास एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब प्यारा क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन को मैं फेवरेट क्वेश्चन मानता हूं। मतलब एक ही क्वेश्चन में आप अच्छे से एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ये एग्जांपल 11 है गाइस, और ये NCERT टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, यानी कि ये आपको NCERT टेक्स्ट बुक के अंदर मिल जाएगा। क्या बोलता है क्वेश्चन? इन ए रिएक्शन, ये रिएक्शन दी है A+B2 रिएक्ट विद AB2। ए जो है वो एक एटम है ना प्यारे बच्चों, और B2 है वो एक मॉलिक्यूल है, क्योंकि जब एक से ज्यादा एटम्स आ जाते हैं तो उनको मॉलिक्यूल बोलते हैं, और ये भी एक तरह का मॉलिक्यूल ही है। क्लियर ही होगा ये सब तो आपको। बोलता है इन ए रिएक्शन इन दिस आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब वो जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, जिसको हमने LR का नाम दिया था लिमिटिंग रिएजेंट। इफ एनी इन द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर्स, अगर कोई है तो हमें बताइए कि इनमें कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। पांच हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, पांच सवाल है, इसी के पांच सवाल है। हमें पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है, और पहला क्वेश्चन हमें बोलता है कि बताओ 300 एटम्स ऑफ ए प्लस 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। बी मतलब मॉलिक्यूल्स बोल रहा है, मतलब बी टू की ही बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है गाइस? बी टू की ही बात कर रहा है, मॉलिक्यूल्स बोल दिया तो बी टू ही है। 300 एटम्स ऑफ ए प्लस 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, बताना है कि इनमें से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। आइए एक बार अपनी इक्वेशन से पूछ लेते कि तुम क्या बोलती हो। तो इक्वेशन हमें बोलती है कि एक मोल ऑफ ए रिएक्ट विद एक मोल ऑफ बी टू एंड गिव वन मोल ऑफ ए बी टू, यानी कि जितनी क्वांटिटी ए की है उतनी ही क्वांटिटी मेरे पास बी की भी होनी चाहिए। अगर मैंने इसका एक मोल बोला तो इसके एक मोल में कितने एटम्स होते हैं गाइस? 6.022 × 10⁻²। अगर मैंने इसका एक मोल बोला तो इसके एक मोल का मतलब भी क्या है कि 6.022 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स ऑफ B2। यानी कुल मिला के बात ये पता लगता है कि जितनी मात्रा ए की है उतनी ही मात्रा B2 की भी होनी चाहिए, तभी रिएक्शन ये सफल हो पाएगी। लेकिन यहाँ पे ये क्या बोलता है कि 300 यानी कि 300 एटम्स ए के तो है लेकिन बी के केवल 200 ही मॉलिक्यूल्स है। रिएक्शन हम बोलती है दोनों के बराबर बराबर होने चाहिए। रिएक्शन क्या बोलती है? दोनों के बराबर बराबर होने चाहिए। यहाँ पे किसके कम है? बी के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कम है, मतलब कि ये रिएक्शन को पूरा नहीं करा पाएगा। जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट इसकी होनी चाहिए थी उतनी ना होके उससे थोड़ी सी कम है, मतलब कि पहले सवाल में B2 is a LR।
पहले सवाल के अंदर B2 जो है वो एक लिमिटिंग रिएजेंट है क्योंकि उसकी जो अमाउंट है वो A के बराबर नहीं है, बिकॉज वी रिक्वायर्ड इक्वल क्वांटिटी ऑफ ए एंड बी टू, बट हियर बी टू शुड बी 300 मॉलिक्यूल्स एंड इट इज ओनली अवेलेबल 200 मॉलिक्यूल्स, दैट्स वाई B2 जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। सवाल लिखे, सवाल का पहला सब पार्ट लिखे और सब पार्ट का ये आंसर लिखे और आंसर की एक्सप्लेनेशन भी लिखे कि क्यों आपने B2 को यानी कि B को लिमिटिंग रिएजेंट बोला है। जल्दी से इसके बारे में लिख लीजिए गाइस। बट हियर B2 जो है वो 300 मॉलिक्यूल होने चाहिए थे लेकिन इट इज ओनली अवेलेबल 200 मॉलिक्यूल्स, होने चाहिए थे 300 लेकिन आपके पास है 200, कम अमाउंट प्रेजेंट है इसलिए ये एक लिमिटिंग रिएजेंट है। समझ में आता है ये? जल्दी से इसके बारे में लिखेंगे फिर बात करेंगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट की। ये सवाल पूछने का तरीका है कि वो आपसे नंबर ऑफ मोल्स ना देके, ग्राम्स ना देके एटम्स मॉलिक्यूल्स के अंदर भी डिफरेंशिएशन करवा सकता है। मोल्स देता है तो बिल्कुल सीधी सी बात है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स में थोड़ा सोचना पड़ जाता है ना प्यारे बच्चों? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, आपका स्वागत है, आप इसे कीजिए जल्दी से। एंड इट इज ओनली अवेलेबल 200 मोल्स, ये अवेलेबल है। ये MOL गाइज मॉलिक्यूल्स है, राइट? MOL क्या है? ये मॉलिक्यूल्स है, मैंने पूरा नहीं लिखा, आप पूरा लिखना, मेरे पास थोड़ी जगह की शॉर्टेज है। मॉलिक्यूल्स
एंड इट इज ओनली अवेलेबल 200 मॉलिक्यूल्स. मैं ही लिख देता हूं, क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे चले, ये सब लिख लो, आगे चलते हैं. आगे चलते हैं, बात करते हैं गाइस सेकंड पार्ट की. किसकी बात करते हैं गाइस? सेकंड पार्ट की. सेकंड पार्ट बोलता है 2 moles ऑफ ए एंड 3 moles ऑफ बी. और ये रिएक्शन क्या बोलती है? ये रिएक्शन बोलती है कि ए और बी टू दोनों ही के ही इक्वल इक्वल मोल होने चाहिए. 2 moles ऑफ ए और 3 moles ऑफ बी. बी का मतलब यहां पे क्या है? बी टू ही है, बी टू ही है, ठीक है. यानी कि 2 moles ऑफ ए और 3 moles ऑफ बी टू, यानी कि 3 moles ऑफ बी टू के हिसाब से तो मेरे को 3 moles ऑफ ए चाहिए थे, है ना. कितने चाहिए थे? 3 moles ऑफ ए हमें चाहिए थे. वी रिक्वायर 3 moles ऑफ ए, बट हियर वी हैव ओनली 2 moles. सो ए इज एल आर. इसका मतलब ए जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है. ऊपर वाले में क्या था? बी टू लिमिटिंग रिएजेंट था. क्लियर है? जल्दी से फटाफट इसको लिखें. जल्दी से इसको लिखे फटाफट. ए क्या होगा इसमें? ए होगा इसमें लिमिटिंग रिएजेंट गाइस. जल्दी से लिखे स्टूडेंट्स, जल्दी से इसे कर ले आप. फिर ऐसे ही हम थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और एक और नया क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं गाइस. जल्दी से इसे लिख ले आप प्लीज. ये क्वेश्चंस जो है आपको बहुत आसानी से हो जाने चाहिए, इनमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी जो है वो नहीं है. मैं हर पार्ट को अलग से कर रहा हूँ और हर पार्ट की अलग से एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूँ. पहले मैंने एक्सप्लेनेशन की थी फर्स्ट की,
अभी मैंने एक्सप्लेनेशन की है सेकंड की, अभी हम थर्ड फोर्थ और फिफ्थ को ऐसे ही आगे कंटिन्यू रखेंगे गाइस। कर लिया होगा आपने ये, सवाल भी साथ साथ उतारते रहो और उसका जवाब भी साथ साथ लिखते रहो, एक साथ मत उतारो, आप सवाल लिखो और उसके नीचे के उसकी एक्सप्लेनेशन लिखो, है ना गाइस। आगे चलते हैं, रफ कर दे इसको। क्लियर। अब गाइस बात करते हैं थर्ड पार्ट की। किसकी बात करते हैं? थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में क्या बोलता है कि 100 एटम्स ऑफ ए रिएक्टिंग विद 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी टू, यानी कि जितनी अमाउंट ए की है उतनी ही अमाउंट हमारे पास बी टू की है। इट मीन्स देयर इज नो लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट, इसके अंदर कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट नहीं है गाइस, क्योंकि जो अमाउंट ए की है वही अमाउंट हमारे पास बी टू की भी है। एक मोल इसका, एक मोल इसका, जितने नंबर ऑफ एटम्स इसके उतने नंबर ऑफ एटम्स इसके, यानी कि जितने नंबर ऑफ एटम्स इसके उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इसके। क्लियर है गाइस, यानी कि थर्ड ऑप्शन में हमारे पास कोई भी लिमिटिंग एजेंट नहीं है, दोनों ही एकदम परफेक्ट आइडियल अमाउंट में प्रेजेंट है। थर्ड का आंसर लिखेगा इस फटाफट। आपको बिल्कुल परफेक्टली क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई कैसे क्या है, कैसे क्या नहीं है, है ना। There is no LR present here. आगे चल सकते हैं, ये आपने कर लिया होगा। क्लियर है गाइस। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है 5 मोल ऑफ ए रिएक्ट विद 2.5 मोल्स ऑफ बी टू, जबकि दोनों की इक्वल अमाउंट प्रेजेंट होनी चाहिए। यहां पे 2.5 मोल ऑफ बी टू कम मात्रा में प्रेजेंट है, इसका मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन यहां पे है, हियर वी रिक्वायर्ड 5 मोल्स ऑफ बी टू बट We have only 2.5 moles, है ना? It means B2 is limiting reagent. इसका मतलब fourth option के लिए B2 एक limiting reagent है guys. कर लीजिए फटाफट से, लिख लीजिए। एक एक चीज की एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको आनी चाहिए, जिससे कि आप अगर और भी सवाल करेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा और आपको डिफिकल्टी महसूस और क्वेश्चंस करने में नहीं होगी गाइस। जल्दी से इसको कर लीजिए।
क्वेश्चंस करने के लिए आप MTG की फिंगर टिप्स और NCERT की टेक्स्ट बुक और NCERT एग्जाम्पलर का हेल्प ले सकते हैं। आई कैन रिकमेंड, मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, मेरा सजेशंस है कि आप MTG की फिंगर टिप्स के नाम से एक बुक आती है, वो सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज होती है। NCERT टेक्स्ट बुक एंड NCERT एग्जाम्पलर, इन तीनों का ही सहारा ले सकते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे NEET JEE से जुड़े हुए, यहाँ आपको क्वेश्चन मिलेंगे आपके बोर्ड और NEET JEE दोनों में आने वाले, ठीक है गाइस। यहाँ आपको करंट में पता भी चलेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आप सब जगह से कर सकते हैं। मैंने जो सबसे पहले क्वेश्चंस जो कराए थे वो MTG फिंगर टिप्स के ही थे, जो NEET 2020 और NEET 2019 में आए हुए थे गाइस। और भी जो चीजें हैं वो भी मैं आपको गाइस प्रोवाइड कराऊंगा। अगर इसके अलावा भी कोई स्टडी मटेरियल होता है देन आई विल सेंड यू इट इन दी योर लाइफाई लर्निंग ऐप चैट ग्रुप, देयर यू कैन सो लोड्स ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस एंड यू कैन आस्क मी द डाउट्स एज वेल। ओके, लिख लिया होगा गाइस ये, अब इसको रफ करके आगे चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चंस भी हमें करने हैं। क्लियर गाइस, अब बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। किसकी बात करते हैं गाइस? फिफ्थ पार्ट की। और फिफ्थ पार्ट क्या बोलता है कि 2.5 मोल्स ऑफ ए रिएक्ट विद 5 मोल्स ऑफ P2, तो दोनों की इक्वल अमाउंट होनी चाहिए थी लेकिन यहां पे ए की अमाउंट कम है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन गाइस ऊपर लेके लेते हैं। हियर ए शुड बी प्रेजेंट, ए शुड बी प्रेजेंट इन 5 मोल्स बट Only we have 2.5 moles, परंतु हमारे पास केवल 2.5 moles है। It means A is limiting reagent, यानी कि यहां पर जो limiting reagent है वो है guys A। पहले वाले के अंदर B2, फिर A, फिर कोई भी नहीं, फिर B2, फिर A। क्लियर है? आई थिंक अब ये आप बेहतर ढंग से समझ चुके होंगे कि कोई भी लिमिटिंग एजेंट बन सकता है, बस उसकी अमाउंट जो है वो उतनी ना प्रेजेंट हो जितनी रिएक्शन में रिक्वायर्ड है। अगर उससे कम प्रेजेंट है तो वो लिमिटिंग एजेंट है, अगर किसी के ज़्यादा प्रेजेंट है तो वो एक्सेसिव रिएजेंट है। अगर एक एक्सेस है तो एक लिमिटिंग भी पक्का पक्का होगा गाइज, अगर एक एक्सेस है तो एक लिमिटिंग भी पक्का पक्का होगा, क्योंकि अगर कोई रंग काला है तो कोई सफ़ेद भी है, सफ़ेद के रेस्पेक्ट में तो कोई काला है और काले के रेस्पेक्ट में ही कोई रंग सफ़ेद है। क्लियर है? अगर लिमिटिंग है तो कोई एक्सेस में भी है, अगर ना कोई लिमिटिंग है ना कोई एक्सेस है तो फिर थर्ड एग्जाम्पल आप देख सकते हो, यहाँ पर ना कोई एक्सेस में है और ना ही कोई यहाँ पर लिमिटिंग में है। लेकिन अगर यहाँ पर ये लिमिटिंग में है तो ये एक्सेस में है, अगर यहाँ पे ये लिमिटिंग है तो ये एक्सेस में है, और अगर यहाँ लिमिटिंग में है तो ये एक्सेस में है, है ना। लिमिटिंग और एक्सेस दोनों एक साथ चलने वाली चीज है, जो लिमिटिंग होगा उसका ऑपोजिट वाला एक्सेसिव होगा। क्लियर है गाइस? ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, इसको लिख लीजिए।
ये हमने अपने क्वेश्चंस को गाइस खत्म किया। क्लियर है जी? इसके बाद हम एकदम से मूव ऑन करेंगे अपने एक और क्वेश्चन पे, जो हमें एक और नया कॉन्सेप्ट सिखाने का हेल्प करेगा। इसको फटाफट से लिखिए गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से। इफ़ यू वांट टू फाइंड अबाउट द लिमिटिंग रिएजेंट, तो ये क्वेश्चन को बस एक बार रिवाइज कर लेना, आपको सब कुछ लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में पता लग जाएगा। इस क्वेश्चन को एग्जांपल्स यानी कि इसकी एक्सप्लेनेशन सहित पढ़ लेना, आप लिमिटिंग रिएजेंट कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। ये क्वेश्चन इटसेल्फ इतना सब कुछ बता रहा है लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में, पाँच पाँच पार्ट, वो भी अलग अलग तौर तरीकों से, है ना। क्लियर होगा गाइस ये? जल्दी से लिखे, मैं हट जाता हूँ, पॉज करके लिख ले आप, फिर मैं इसको चेंज करता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं इसको चेंज करता हूँ। ठीक है जी, ये हमारे आज के सवाल हुए गाइस ख़त्म। और सवाल हमारे पास नहीं है, और सवाल मैं लेके आऊँगा फिर करेंगे। एक मेरे पास क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा, अपने कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। कौन सा कॉन्सेप्ट है हमारा? परसेंटेज कंपोजिशन से रिलेटेड, राइट। तो गाइस क्वेश्चन लिखते हैं, ए ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। द परसेंट कंपोजिशन, द परसेंट कंपोजिशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज 40.68, 40.68 एंड 5.08% रेस्पेक्टिवली। ये हमें हमारे एटम्स का परसेंट ऑफ कंपोजिशन भी दिया हुआ है, पूछा हुआ है। फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इफ इफ वेपर डेंसिटी इज 59। क्वेश्चन दिख रहा है गाइस आपको अच्छे से? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। कार्बन हाइड्रोजन का जो परसेंट दिया है वो दिया है गाइस 40.68 एंड 5.08। हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करना है। अगर वेपर डेंसिटी जो आपके कंपाउंड की है वो है 59। आइए इसका सॉल्यूशन एक बार करके देखते हैं। सॉल्यूशन करने के लिए आपको पता है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है, 40.68%। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना है प्यारे बच्चों, 5.08%। और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, 100 माइनस। देखो अगर
कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। कार्बन का दे दिया, हाइड्रोजन का दे दिया, तो ऑक्सीजन क्या होगा भाई? 100 में से 100 घटा दो, बाकी बचा हुआ क्या है? ऑक्सीजन ही है। यानी कि 40.68 प्लस 5.08, तो ये कंपोजिशन जो है वो हमारे पास आ जाएगी गाइस 54.22। कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करके? 54.22%। यानी कि कार्बन की परसेंटेज पता लगी, हाइड्रोजन की पता लगी, ऑक्सीजन की हमने खुद से निकाली। कैसे निकाली? 100 में से माइनस करके। यानी कि हमें अपने चक्षुओं को, अपनी आंखों को खोल के देख लेना है कि वो कौन कौन से एटम्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट करवा रहा है, एज वेल एज वो हमें गिवन डाटा में क्या क्या दे रहा है। हमें वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है, और परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन केवल ही दे रखी है। अगर ऑक्सीजन भी उसके अंदर प्रेजेंट है तो वो हमें इटसेल्फ 100 में से माइनस करके निकालनी पड़ेगी, क्योंकि तीनों एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन तो टोटल 100 के बराबर ही होगा, है ना? अरे अगर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो टोटल, तो मैं ये बोलूंगा ना कि कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन 100% प्रेजेंट है। कार्बन का यू नो, हाइड्रोजन का यू नो, 100 में से कार्बन और हाइड्रोजन का आप माइनस कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज आपके पास आ जाएगा। एक बार इसे लिखे, फिर सवाल को आगे की तरफ लेके चलते हैं। वही टेबुलर फॉर्म में मैं सवाल कराऊंगा और आप लोग एकदम से उसको कर जाएंगे। चलिए गाइस फटाफट से लिखे। सारा का सारा जो खेल है प्यारे बच्चों, वो इस सवाल में केवल केवल वेपर डेंसिटी का है। ये वेपर डेंसिटी एक अद्भुत रोल प्ले करेगी इस सवाल के अंदर, देखना भी कैसे करते हैं। ये तो लिख लिया होगा, इसको फ्रीज करके लिख लेना, मैं आगे चलता हूँ गाइस। ठीक है, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। ये बना लेते हैं अपनी टेबल, बना लेते हैं गाइस। क्लियर है? इस टेबल में सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। किसको लिख लेते हैं? एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। एलिमेंट्स लिख लिए, एलिमेंट्स है हमारे पास गाइस कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्लियर है? आप भी इसको अपने जब पेपर में करके आएंगे तो कोशिश कीजिएगा कि टेबुलर फॉर्म में ही करें। टेबुलर फॉर्म में कोई भी पार्ट एक तो मिस नहीं होगा, प्लस आप गलत नहीं करोगे। एलिमेंट्स परसेंटेज कितनी दी है अभी लिखेंगे, तो परसेंटेज आपके पास जो आई है गाइस, वो परसेंटेज है कार्बन की 40.68। कितनी दिया गाइस? 40.68, 5.08, और ऑक्सीजन की आपके पास आई है 54.22। कितनी आई है गाइस? 54.22। इतना आपने लिख लिया। अब जो भी परसेंटेज होती है, जो भी परसेंटेज होती है वही क्या होता है, वही उनका मास भी होता है। मास यानी कि W, इसका मास कितना है 4.68 ग्राम, इसका कितना है 5.08 ग्राम, और इसका मास कितना है 54.22 ग्राम। क्लियर है? उसके बाद आप निकालते हैं गाइस नंबर ऑफ मोल्स। क्या निकालते हैं उसके बाद आप? नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का आपके पास फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास में एलिमेंट्स के ही ऊपर लिख देता हूं 12, 1 और 16।
क्या यही मास होते हैं? कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। गिवन मास कितना है? 40.68। तो गिवन मास 40.68 अपॉन इसका एटॉमिक मास 12, गिवन मास 5.08 अपॉन इसका एटॉमिक मास, गिवन मास 54.22 अपॉन इसका एटॉमिक मास। आइए एक बार कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। तो ये सॉल्व करने से गाइस हमारे पास क्या आएगा, 12 से 40.68 को अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 12 वन जा 12, 12 टू जा 24 और 12 थ्री जा 36, तीन बार तो चल जाएगी, चार हमारे पास बचेंगे और चार करने के बाद हम लोग चलाएंगे 3.4 पे, 48 आएगा राइट, दो फिर से बच जाएंगे और यहाँ हम करेंगे 2 जा पे, इतना ही लिखेंगे, आगे लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कंप्लीट डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट हमें गाइज नहीं है। मैं तो कहूँगा कि 3.4 से भी काम चल जाएगा, ये 5.08 ही आ जाएगा और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 16 वन जा 16, 16 टू जा 32, 16 थ्री जा 48, तो यहाँ पे भी कितनी बार चल जाएगी गाइज, 3 टाइम्स चल जाएगी। उसके बाद 48 और 54 6 बचेंगे, पॉइंट लगा के हमने पॉइंट लगाई दिया, 62 हो जाएगी और 16 फोर जा 48 एंड 16 फाइव जा 60, तो ये अप्रोक्सीमेटली 3.5 आ जाएगा। अब हम इसके बाद लिखते थे स्मॉलेस्ट नंबर, क्या लिखते थे गाइस, इसके बाद हम स्मॉलेस्ट नंबर को लिखते थे, तो स्मॉलेस्ट नंबर जो हमारे पास आया वो 3.4 या 3.5 आया, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर जो हमारे पास है वो है 3.4, यहाँ पे है 5.08 और सॉरी 3.4 और 3.4, क्लियर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम स्मॉलेस्ट नंबर से सबको डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, स्मॉलेस्ट नंबर से सबको डिवाइड कर देंगे, यानी कि अब हमारे पास आने वाला है गाइज रेशो, क्या आने वाला है गाइज, हमारे पास रेशो आने वाला है। रेशो जब आएगा तो रेशो में क्या करेंगे, इस स्मॉलेस्ट नंबर से हर एक नंबर को डिवाइड कर देंगे, यानी कि यहाँ 3.42 से 3.4 डिवाइड होगा, यहाँ 5.08 से 3.4 डिवाइड होगा और यहाँ 3.5 से 3.42 डिवाइड होगा राइट, 3.42। जब इनको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद एक आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 3.42, यानी कि 3.4 गुना 2 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा हो जाएगा 1.5 टाइम्स ये अप्रोक्सीमेटली कट जाएगा और ये भी अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल कट जाएगा क्योंकि हम इनको 1 के बराबर रखते थे। अब मेरे पास जो नंबर्स आए वो आए 1, 1.5 और 1, क्या नंबर आए मेरे पास गाइज, 1, 1.5 और 1। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इनको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करूँगा, किस में कन्वर्ट करूँगा गाइज, सिंपलेस्ट रेशियो में। अब रेशियो जो है ये एटम्स का रेशियो है राइट, तो ये कंप्लीट इंटीगर हो जाता है। अगर मैं इन सब की मल्टीप्लाई 2 से कर दूं तो जो मेरा ये 1.5 है, जो ये मेरा 1.5 है वो अप्रोक्सीमेटली ख़त्म हो जाएगा और 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो अगर ये 1.1 या 1.2 होता तो मैं इसको 1 मान लेता, अगर ये 1.9 या 1.8 होता तो मैं इसको 2 मान लेता, यानी कि अगर 0.5 से नीचे है, 0.1, 0.2 है तो आप उसको नेग्लिजिबल मान लो, आप इसको 1 ही मान सकते थे। अगर ये 0.8 या 0.9 होता तो आप इसको 2 मान सकते थे, लेकिन बात जब आती है बिल्कुल मिडिल में, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर मेरे पास आता है, तब हमें इसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है कि ये जो आपका फ्रैक्शनल नंबर है ये ख़त्म हो जाए। अगर मैं 1.5 की मल्टीप्लाई 2 से कर दूँ तो मेरा 1.5 का फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा और मेरे पास आ जाएगा 3, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाइड बाई 2, तो रेशो आया 2 × 3 × 2, यानी कि सिंपलेस्ट रेशो जो एलिमेंट्स का है
वो है गाइज 2:3:2। क्या रेशो आया गाइज? कार्बन रेशो हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन कितना आया? 2:3:2। यानी कि एम्पिरिकल फॉर्मूला जो मेरे पास है वो आया C2H3O2। कितना आया गाइस एम्पिरिकल फॉर्मूला? C2H3O2। और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या गाइस? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अब देखो आपके पास एक जवाब तो आ चुका, आपके पास एक जवाब तो गया आ, जो कि आपके पास ये है। क्लियर है? अभी आपको मोलिकुलर फॉर्मूला और निकालना है। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा? 12 × 2 12 दुनी प्लस 3 × 1 प्लस 2 × 16 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 24 प्लस 3 प्लस 32 और ये आ जाएगा 32 और 3 35 और 4 39 और 20 59। यानी कि मास जो आपका आया एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आपका आया 39। और आपको पता है कि मोलिकुलर फॉर्मूला जो होता है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला का n के बराबर होता है। ये बात तो आपको पहले से ही पता है। एंड यू ऑल्सो नो कि मोलिकुलर मास इक्वल्स टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। n की वैल्यू अगर कहीं से पता लग जाए तो मोलिकुलर फॉर्मूला पता लग जाएगा, लेकिन n की वैल्यू निकालने के लिए मुझे मोलिकुलर मास पता करना पड़ेगा। क्या पता करना पड़ेगा गाइज? मोलिकुलर मास पता करना पड़ेगा जो निकलेगा इस वेपर डेंसिटी से। किससे निकलेगा गाइज? वेपर डेंसिटी से निकलेगा। तो मोलिकुलर मास पता करने के लिए हम मोलिकुलर मास और वेपर डेंसिटी का रिलेशन लगाएंगे। हमारे पास एक और रिलेशन होता है, वी नो मोलिकुलर मास, ये आपको मिल सकता है आपके पेपर में, 2 × वेपर डेंसिटी। ये एक फॉर्मूला होता है गाइज कि मोलिकुलर मास किसके बराबर होगा? 2 × वेपर डेंसिटी के बराबर होगा। तो वेपर डेंसिटी थी मेरी 59, यानी कि ये मेरे पास आया 50 50 100 99 18 118। कितना आया गाइज? 118। यहां से मैं n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। देन अगर मोलिकुलर मास आया 118 तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना आया? 59। यहां से पता लग ही चुका, राइट? 59 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? 2। यानी कि मोलिकुलर फॉर्मूला जो है वो C2H3O2 क्या था? मोलिकुलर फॉर्मूला था, n की वैल्यू 2 रख देंगे, राइट? इसके बाद इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, C4H6O2 इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ योर कंपाउंड, राइट गाइस? ये है जी आपका आंसर। और एक आंसर है गाइस आपका ये, इसको लिख ले फटाफट। ये लिख लेंगे आप फटाफट, इसको पॉज करें लिखे, इसको पॉज करें और लिखे, राइट? ये स्मॉलेस्ट नंबर है, शायद सबसे छोटा नंबर यही है। ये अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल आया, अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल आया। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अप्रोक्सीमेटली 2 के इक्वल आएगा। हमें ये कंप्लीट इंटीजर पकड़ना होता है। इस सवाल में जो है वो अंदाजा चलता है, अंदाजा है ना, आपको कंप्लीट डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 3.4 3.5 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 0.9 समथिंग आएगा। और 0.9 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो वो आ जाएगा 1.8, और 1.8 को भी हम 2 ही मानेंगे। आप कैसे भी कर सकते हैं गाइस, आपको इसमें कोई भी डिफिकल्टी उठानी नहीं पड़ेगी, आपके हाथ में है। या तो आप मेरे तरीके से कर ले, या आप अपने इसको ओन मेथड से बिल्कुल इसमें दिमाग लगा के पागलों की तरह होके फिर इसको सोल्व कर ले। 3.42 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। 3.42 सबको डिवाइड कर दिया और सवाल को ख़त्म किया, पोज करके लिख लेंगे, फिर ये पोज करके लिखेंगे,
यहां जो इंपॉर्टेंट चीज थी प्यारे बच्चों वो थी ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला और ये रिलेशन और ये रिलेशन, ये चारों ही रिलेशन आपके पास बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद जरूरी है। इसको भी पॉज करके लिख लेंगे। इसको भी पॉज करके लिख लेंगे, राइट। और लास्ट स्लाइड में आपके पास गाइस आंसर है, ये आपका आया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर है? एनी की वैल्यू कैलकुलेट करी, देन इसको सीधा यहां पे पुट किया, अंदर सिंपल मल्टीप्लाई कर देनी है, दो दुनी तीन दुनी दो दुनी, टू टू जा फोर, थ्री टू जा सिक्स, टू टू जा फोर। जल्दी से लिखे। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, कुछ और क्वेश्चंस ढूंढ के लाता हूं और अपना नया चैप्टर गाइस शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अलॉट।